हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या है, उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। सभी राशियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जोड़िक साइन के लिए यानी कि रीडिंग की जा रही है। ये हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, सकता है कुछ ना भी हो, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखेगा देखिएगा। अगर आपसे बातें रेजोनेट होती हैं, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनल चार्जेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट, करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है, डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देखी जा रही है, उस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स, जिसको भी लेके रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये कार्ड नीचे गिर गया था अभी। सो नंबर 4 की एनर्जी आई है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, स्टैंड। नंबर 7 की एनर्जी है, 0 0 9। नंबर 15 की एनर्जी आई है, नंबर 7 एनर्जी है, तो 7 नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्राउन चक्र की एनर्जी है। अगेन नंबर 7 है, वाह। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 13, नंबर 12, नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। तो इस वक्त अगर मैं देखूं व्यूअर्स, इस व्यक्ति के जो करंट थॉट और करंट फीलिंग आ रही है वो ये है कि ये जो व्यक्ति है, ये इस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी एनर्जी से, ठीक है, आपकी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो लोगों से, मतलब जैसे दोस्त वगैरह हो गए, ठीक है, किसी दोस्त से, कुछ लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये कनेक्ट करके भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका जो माइंड है ना, वो इस समय काफ़ी डिस्टर्ब है, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल में चल रहा है, और इस व्यक्ति को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि इनको क्लैरिटी दे, इनके दिमाग को सुकून दे, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे। और ये व्यक्ति रिलैक्सेशन के लिए ही कहीं ना कहीं अपने मेरी अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, कुछ लोगों में, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है भाई, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो इनकी लाइफ में चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में चल रहे हैं चैलेंजेस, इनकी लाइफ में चल रहा है उथल पुथल जो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आई है। अभी बताऊँगी कैसे आई है, बता देती हूँ। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो आप और आपके पर्सन के बीच में एक गैप आ रहा है। अब जो गैप आ रहा है वो फिलअप नहीं हो पा रहा, वो गैप को ओवरकम आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आपके दिमाग में कुछ बात बैठ गई है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है कि आपके दिमाग में कुछ बात बैठ गई है और वो बात निकल नहीं रही है। ये आपको बहुत बार समझा चुके हैं लेकिन आप वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और आप उन चीज़ों को आपने मतलब इतना पकड़ लिया है कि अब आप उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ये इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगा कि वो आपको जो समझा रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे हो, या फिर ये कहे कि इनको आपको समझा पाना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप इनकी जैसे किसी भी बात से इस समय एग्री नहीं कर रहे हो, अपने लेवल पे स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। अब जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आए कि ये व्यक्ति ना आपके सामने अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब मैं वीक पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रही हैं क्योंकि वो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रांग पढ़ रहा है आपके सामने, आपके पर्सन की ये एनर्जी आ रही है। यानी वो जो भी कर रहे थे,
उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार मेरे यही करने की वजह से या तो इस व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ हो रही है या मुझे अपने एक्शंस में कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती कर दी है, राइट। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि इस व्यक्ति ने भी वही किया है, कोशिश क्या की है कि इस व्यक्ति ने कभी भी अपनी गलती को मानने की कोशिश नहीं की है कि हाँ भाई मेरी गलती रही है। हमेशा उसको जस्टिफाई करना, उसको कभी ना मानना, ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ में यहाँ पे की हो सकती हैं। तो कहते हैं ना, जब इंसान किसी चीज़ पे ज़िद्दी हो जाए या अड़ जाए या फिर कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाए और वो गलती मानने को तैयार नहीं, एक तो होता है गलती मान लो, ठीक है, उसे हम गलती मान लेते हैं तो हम उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर गलती नहीं मानी जाए और वो बार बार वो व्यक्ति उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और हमें पता है कि वो सामने वाले ने गलती कर दी है, तो कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हम, या उसको निकाल सकते हैं या उसको पूरा ही निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें व्यूअर्स आप दोनों के कनेक्शन में हुई हैं और आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ तो एक तरह का नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपको डील नहीं कर पा रहे हैं, आपको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आपका जो माइंड सेट है वो चेंज किया जाए, आपको आपको बदला जाए। जो आप इस समय इनसे डील कर रहे हो, जिस तरह से इनको डील कर रहे हो, आपके पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं उसमें बदलाव हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, सो दैट कि आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी चल रहा है वो ख़त्म हो और एक जो नज़दीकियों वाला जो एक माहौल रहा है वो शुरू हो। वो शुरू करना आपके पर्सन आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जो दिल में इनके लिए जो प्यार है उसको बिल्कुल लॉक कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म कर दिया है या दिखा नहीं रहे हो, नहीं, आप ना दिखा रहे हो ना उसको फील कर रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है जैसे कि आपके दिल में जो प्यार था वो कहाँ कहीं गुम हो गया है। अब वो कहाँ है? आप पहले तो इनके लिए ऐसे कभी ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन राइट नाउ ट्रीट कर रहे हो। तो ट्रीट कर रहे हो ना व्यूअर जिस भी तरह से आप, तो वो इस व्यक्ति को इस समय कहीं ना कहीं बड़ा परेशान कर रहा है, ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। दूसरा मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस समय, हो सकता है कि इन्होंने खुद आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करने की व्यूअर्स यहाँ पे ये जो एनर्जी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि ये जैसे कि कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, मुझे ये क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेने से मुझे फ़ायदा हो सकता है या फिर ये कहें कि उसके रिजल्ट मिले। बेसिकली क्या है, रिजल्ट मिलने चाहिए क्योंकि अब तक जो भी लिया गया है उसे रिजल्ट नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही बड़ा है। तो हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ स्टैंड लेने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन आप इनसे लेके बैठे हुए ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं जैसे कि आई नीड माई टाइम, मुझे मेरा टाइम चाहिए क्योंकि मुझे सुकून नहीं है मेरे दिमाग को, मेरा दिमाग बहुत परेशान है इस वक्त और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, सो आई नीड माई ओन टाइम, डोंट फोर्स मी। क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स किसी जैसे कह रहे हैं कि मुझे जो भी डिसीजन लेना है ना इस रिश्ते को लेके, अपनी लाइफ को लेके, वो मेरा होना चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर में होना चाहिए। ना तो आप उन्हें प्रेशर करें ना कोई और व्यक्ति उन्हें प्रेशर करे, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति प्रेशर ही ले रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपने ऊपर प्रेशर सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ हुआ नहीं है या किसी प्रॉब्लम में आपके पर्सन व्यूवर्स आ चुके हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ काम इनका कुछ परसेंटेज में इन्होंने किया है, कुछ लेस लाइक 100% की अगर मैं बात करूँ तो नियरली नियरली इनका 10 to 20% काम हुआ है, बाकी 80% अभी भी बाकी है, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यक्तिवर्स बड़े रेस्टलेस है कि यार मेरा मेरा काम नहीं बन पा रहा, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पा रहा, सिचुएशन मेरी, इनको डर सा लग रहा है कि यार वक्त रहते, जैसे वक्त रहते ये क्या वो कर पाएंगे, क्या हो पाएगा, क्योंकि वक्त की ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है वो नज़र आ रही है और वक्त जो है वो हाथों से फिसलता जा रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टैंड इन्होंने भी लिया है कुछ बात, जैसे मैंने बोला ना 20% की, मे बी आपके बारे में इन्होंने अपनी फैमिली को बताया हो या फिर आपके बारे में इन्होंने कुछ बोला है, आपके फेवर में कुछ बोला है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन उससे चीज़ें और बिगड़ी हैं, बनी नहीं है, इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस व्यक्ति की तरफ से। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो है पर्सन आपके साथ में, एक जो कनेक्शंस हैं अगर मैं बात करूँ कनेक्शन की, तो ऐसा फील करते हैं कि आपका उनके साथ में अगर जैसे डेस्टाइन कनेक्शन है,
जैसे उनको लगता है कि आपका और उनका एक रिश्ता जो ऐसा है जो उनको बाय मतलब जैसे कहते हैं ना बाय बाय चांस मिला है, यानी यूनिवर्स की तरफ से मिला है, ये इन्होंने खुद से नहीं बनाया। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने खुद से तुम्हारी तरफ ज़रूरत से ये कनेक्शन नहीं बनाया था, मुझे तो ये रिश्ता मिला। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा तुमसे झुकाव जो हुआ, तुम्हारी तरफ जो रुझान हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसी नज़ीज़ है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन का जो माइंड सेट है वो इनको ये कहता है, अगर हम ये जो कार्ड्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें, ये चारों कार्ड जो बता रहे हैं, इनका जो माइंड कहता है कि यार लेट गो दिस पर्सन, इस पर्सन को जाने दो, ये पर्सन तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि तुमने जो स्टैंड लिया, तुमने जो काम किया, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में तुम फंस गए। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स इनका दिमाग कहता है कि यार लेट गो दिस पर्सन, इस व्यक्ति को जाने दो, लेकिन दिल क्या है, दिल है कि वो मानता नहीं। टेम्पटेशन की एनर्जी लेके आए हैं, तो ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपसे मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट इस समय आपको ऐसे ही लग रहा होगा, ये व्यक्ति मुझसे मुंह मोड़ रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे बैठा है, और पता नहीं कब बात करेगा कब बात नहीं करेगा, यानी सामने वाला पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चाह के भी ना आपसे मुंह नहीं मोड़ पा रहे, इनके दिमाग में बेशक अगर हम देखें ना कि हाँ अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो रिश्ता है वो इतना इंटेंस है इस वक्त आपकी, आपके पर्सन की तरफ आपकी जो फीलिंग है इतनी इंटेंस है कि वो व्यक्ति चाह के भी उनसे मुंह मोड़ नहीं पा रहे हैं। बार 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 इनका जो दिमाग है, जैसे आपने कभी फील किया होगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जब शुरुआती स्टेज होती है मेडिटेशन की, तो हम लोग मेडिटेशन की जब करने बैठते हैं तो क्या होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। बैठे तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में क्या है, दुनिया भर की चीज़ें चल रही है, जो प्रॉब्लम होती है वो भी चलती है, उसके अलावा 10 चीज़ें चलेंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी। वही इस व्यक्ति की एनर्जी है कि ये अपने आप को हील करने के लिए आपसे टाइम ले रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं अपना अपना दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जब ये टाइम लेते हैं आपसे, आपके बारे में और सोचने लगते हैं, और आपकी चीज़ें इनको मेमोराइज होने लगती है, आपके लिए और कुछ जैसे ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ, कह रहे हैं कि जैसे कि चाह के भी यार तुम्हें भूल पाना बड़ा मुश्किल है। क्या हो तुम, क्या हो तुम, मैंने मैंने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया था कि एज़ पर द सिचुएशन, जो सिचुएशन हमारे कनेक्शन में चल रही है उसको देखते हुए, मे बी आप लोग कोई लोग यहाँ पे एक कार्मिक टाइम फ्रेम में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कार्मिक कनेक्शन है, टाइम फ्रेम है कार्मिक, जैसे कभी कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आप उसे चाहो तो भी नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आपके बस में नहीं होता, आप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं ना कि इम्पैक्ट पड़ता है, कभी लाइफ में अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है, तो ये एक फेज़ ऐसा है जहाँ पर आप जो चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा। तो इस व्यक्ति ने व्यूअर्स यहाँ पे यही सोचा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि अगर ये व्यक्ति मेरे नसीब में है, इस व्यक्ति के साथ में मेरी दुनिया लिखी है, अगर ये मेरा सच्चा प्यार है और मुझे किस्मत से मिला है, तो ये व्यक्ति मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, ये व्यक्ति मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, ये प्यार है मेरा तो ये प्यार मेरा बन के ही रहेगा। इससे रिश्ता अगर मेरा डेस्टिनी से मिला है, जैसे कहते हैं ना जन्मों जन्मों का साथ है, तो हाँ ये जन्मों जन्मों का कुछ साथ आपके साथ में फील करते हैं, नो डाउट ये एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने जितना आपसे दूर जाने की कोशिश की, डेस्टिनी ने इनको आपकी तरफ उतना ही धकेला है, आपको भी इनकी तरफ धकेला है, आपने इनसे जितना दूर जाने की कोशिश की, आपने भी सिचुएशन को ऐसे नहीं समझा, नहीं है समझा आपने भी है, ठीक है, आपने भी कोशिश की है कि चलो दूर चले आते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, नहीं है व्यक्ति, नहीं इसके साथ में मेरा साथ है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसे हम ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि करंट सिनेरियो इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, जस्ट लाइक कि ऐसा समझ लो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। अब आपने भी मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन क्या आप भी मूव ऑन कर पा रहे हो? इस व्यक्ति को ये भी लग रहा है कि जैसे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा, ये व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा अगर हमारा डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, जैसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ बदलेगा, कुछ अपने आप होगा और ये व्यक्ति इनकी लाइफ में आ जाएगा। नो डाउट इस समय आपको लेट गो किया हुआ है, इस समय आपको कम्प्लीटली इस व्यक्ति ने इग्नोर किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरफ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि ये व्यक्ति
मे भी पहले आपको लेट गो कर चुके हैं, लेकिन अभी इनकी इनकी जो फीलिंग है उसमें इतना बिकट ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने बोला ना, ना तो इनके दिमाग से आप निकल पा रहे हो, मल्टीपल थॉट चल रहे हैं आपको लेके, और यही चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इस वक्त को भी, अगर मैं बात करूँ, ये इस वक्त को भी चाह के भी नहीं भुला पा रहे हैं। इनके माइंड में ना आपके साथ में बिताया हुआ वक्त जो है वो जाता ही नहीं है, वो निकलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब किसी के साथ में भी जुड़ने की कोशिश कर लें, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक ही हो सकती है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये किसी के साथ में जुड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो, जैसे हर चीज़ के साथ में आपके पर्सन आप ही को कंपेयर कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं जो मीनिंग है इस रीडिंग का वो ये निकल के आता है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर या पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो, एज पर दिस पर्सन थिंकिंग, ये उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, नॉट कार्ड। ये आप ये मत समझना कि कार्ड ने जस्टिफाई कर दिया, नहीं, ये इस व्यक्ति की फीलिंग में आया है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं एनर्जी है आपके लिए, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में, ये कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स रिवर्स कनेक्शन के लिए क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मुझे नज़र आई है, एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या होता है ना कि कभी कभी इनके ऊपर हो सकता है व्यूवर्स, इस समय राहु का इम्पैक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, ये राहु का इम्पैक्ट है। जब राहु का इम्पैक्ट होता है ना तो ही ऐसी एनर्जी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इंसान चीज़ों को मल्टीप्लाई करता चला जाता है, ठीक है। चीज़ें समझ में नहीं आती उसे कि वो जो सोच रहा है क्या वो सही है, राहु यही करता है। राहु आपकी बुद्धि को हर लेगा इतनी बुरी तरह से कि आप मतलब आपके आसपास जो भी हो रहा होगा आप उसी को सच मान लेंगे, आप क्लैरिटी में आ ही नहीं पाएंगे, और वही इस व्यक्ति की एनर्जी है कि ये क्लैरिटी में ना आ ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो, इस व्यक्ति को इस वक्त इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और ये चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन माइंड, और इनके अकॉर्डिंग वो बातें जो इस कनेक्शन में दिख रही हैं वो ही सच है, और कहीं ना कहीं ये उनसे उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे, उनको चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो ये राहु का इम्पैक्ट मुझे आपके पर्सन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये हो सकता है कि भाई ये राहु के अंडर हो, तो आपको इस व्यक्ति के लिए राहु की रेमेडीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, उससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन करें अगर ये पर्सन खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में इस कनेक्शन को लेके। पोस्टपोनमेंट, ओके, क्रिएटर, प्लेफुलनेस, कंट्रोल। व्यूअर्स देखो, अभी तो इस व्यक्ति का नज़र आ रहा है माइंडसेट आपको लेके कि अभी इस कनेक्शन को लेके ना अपनी तरफ से ही कोई एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स इस व्यक्ति को ना बार 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 बार, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी रेजोनेट कर सकती है कि इनका मन जो है ना आपके साथ में आगे बढ़ना तो चाहता है, आपका आपका होना तो चाहता है, आपके साथ में जुड़ना तो चाहता है, आपके साथ में रहना भी चाहता है। इस व्यक्ति का जो माइंडसेट है ना वो ये दिखाई दे रहा है, यानी इनका मन। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जो इनके साथ में इस वक्त हो रहा है, जो इनके साथ में इस वक्त चल रहा है, उसकी वजह से ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को इस समय कंट्रोल कर रहे हैं। ये व्यक्ति चाहते क्या है अगर हम देखें ना, तो ये आपकी तरफ से भी इस समय जो भी ऑप्शन हो रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में एनर्जी बताई थी अगर आपको वो याद हो तो मैंने जो बताया था व्यूवर्स, ये उस एनर्जी की वजह से भी आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में इस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। ये आपके साथ में इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं, आपके साथ में जैसे कि लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि वे पूरी पूरी फुल ऑफ फ्लैटिशियस एनर्जी में आपके पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं या तो कुछ हालात ऐसे हैं या कुछ ऐसा आपकी तरफ से भी हो रहा है, जिस वजह से ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी एनर्जी को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, यानी अपनी फीलिंग को। रोमांटिक वाइब्स है यहाँ पे, सारी रोमांटिक वाइब्स है इस व्यक्ति के मन में, आपके लिए रोमांस है बहुत अच्छा खासा है, और ये उन चीज़ों को आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि या तो एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हल्की हों, आप जो इनको लेके सोच रहे हो वो हल्का हो, वो रिलीज़ हो, और जैसे ही आपका रिलीज़ होगा ये आपके पर्सन आपके साथ में इस एनर्जी में आ जाएंगे, यानी कि रोमांटिक वाइब्स में आ जाएंगे, एक एक फायरी एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर इंसान जैसे कह रहे हैं ना
बस लुटा देंगे आपको, आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि कह रहे हैं कि मुझे चांस तो दो। आपके पर्सन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मुझे चांस तो दो, या फिर ये कहें कि वो ऐसे चांस का ही वेट कर रहे हैं कि जैसे उनको ये चांस मिलेगा वो आपके साथ में जुड़ेंगे, तो चांस का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। नाइट एंड द किंग, नाइट एंड द किंग की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे, यहाँ पे पेज की एनर्जी नहीं है। अब क्या है ना कि ये व्यक्ति इस सफर में तो आगे बढ़ चुके हैं, बस जैसे कि लास्ट आप लेना है ऐसा आप समझ सकते हो, काफी आगे आ चुके हैं आप लोग। कोई कनेक्शन अभी हाल फिलहाल का शुरू हुआ हुआ नहीं नजर आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है यहाँ पे। अगेन नंबर 7 की एनर्जी मुझे मिली है। माई हेड इजंट क्लियर इनफ टू मेक अ डिसीजन, तो अभी आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैंने बोला ना राहु की एनर्जी है, तो ऐसा ही होता है कि इंसान चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाता, उसके मन में कुछ और उसके दिमाग में कुछ और होता है। आई स्टिल रिमेंबर हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग, आप दोनों के बीच में कैसे बातचीत हुई, कैसे नज़दीकियाँ बढ़ी, ये आपके पर्सन को पता है। जस्ट लीव मी अलोन, दूर रहो उनसे अभी, तो वही कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई इस समय और भी लोग हैं, एक आप ही नहीं हो। मैंने बोला था ये चीज़ें कि भाई इस समय और भी लोग हैं, कि उनको और भी लोग इन्फ्लुएंस करें कि यार ये कर लो वो कर लो, तो जब मल्टीपल थॉट है कि दिमाग में जाएंगे तो इंसान कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपके पर्सन व्यूवर्स इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए हैं, कि जैसे हर एक से दूर हो गए हैं इस वक्त आपके पर्सन, हर एक से दूर होने की रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट कि देखो किसी ने इनको बोला कि यार आपको लेट गो कर दो, आपको सेक्रीफाइस कर दो, राइट? ये चीज़ें हुई हैं, आपके पर्सन ने ये चीज़ें कर दी हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपने भी इनको इन्फ्लुएंस किया कि कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे ये लेट गो की स्थिति नहीं बनती है, यहाँ पे अवॉइडेंस की स्थिति बनती है। यहाँ पे मुझे अवॉइडेंस ही नज़र आ रही है कि इंसान आपको अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड क्लियर नहीं है। इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कनेक्शन को इफेक्ट कर रही है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो मैंने सिचुएशन और भी बताई थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपने वर्क पे, यानी जो भी काम इनको करना है उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये ही करना है और इस तरह से करना है, तो अपना माइंड सेट यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। अब किसी की बातों में आके नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड, तो ये ट्रिगर हुए व्यूअर्स और इसलिए आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। सॉरी फॉर वट आई सेड, इन्होंने अगर आपको गुस्से में आके कुछ कह दिया है तो सॉरी भी बोल रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, उससे आपको क्लैरिटी मिली हो, तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं। तो ये थे आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।